बूबीज, टिट्स, टटार्स, मेलन्स, जंक्स, क्या मैं कुछ और नाम भूल रही हूँ? हम इतने सारे नेम्स यूज करते हैं अपने बूब्स के लिए, हम कितने तरीकों से अपने बूब्स को रेफर करते हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, हम अपने बूब्स के बारे में इतनी जानकारी ही नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर तन्या है, मैं डॉक्टर क्यूट्रस के नाम से भी जानी जाती हूँ, और आज मैं यहाँ पर ब्रेस्ट हेल्थ और खासकर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आज हम ब्रेस्ट कैंसर जैसे सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने आप को उससे बचा सकती हैं, आप कैसे इसे एग्जामिन कर सकती हैं और ब्रेस्ट कैंसर असल में होता क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैंसर क्या है। अगर हमें ये पता चल जाए तो ब्रेस्ट में कैंसर को हम आसानी से समझ पाएंगे। नॉर्मली हमारे शरीर के सेल्स को पता होता है कि उन्हें कब डिवाइड होना बंद करना है। उनके अंदर पहले से ही इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है जो उन्हें एक स्टेज के बाद बड़ा होने से रोकता है। कैंसर के अंदर दिक्कत ये है कि ये मैकेनिज्म काम करना ही बंद हो जाता है और सेल्स बढ़ते ही रहते हैं, और जब ये सेल्स बढ़ते ही रहते हैं तो ये एक ट्यूमर का रूप ले लेते हैं, और हर तरह के कैंसर में यही होता है। ब्रेस्ट कैंसर में भी यही होता है, टिश्यूज या सेल्स बढ़ते ही रहते हैं और फिर वो एक ट्यूमर बन जाता है जो कि एक लंप की शेप में दिखता है जब हम खुद से या डॉक्टर से उसे एग्जामिन करवाते हैं। ये कैंसर है, और ब्रेस्ट कैंसर में कैंसर किसी भी पार्ट में हो सकता है, वो आपके ब्रेस्ट के सरफेस पर, एरियोला पर, निपल्स पर भी हो सकता है। हम जानते हैं कि ब्रेस्ट एक बड़े ग्लोब्यूलर शेप का होता है, जो छोटा प्रोट्रूडिंग भाग होता है उसे हम निपल कहते हैं, और निपल के आसपास के पिगमेंटेड एरिया को एरियोला कहते हैं। जब हम अपने आप को एग्जामिन करेंगे तो हमें इन तीन भाग को एग्जामिन करना होगा। हम इसे एग्जामिन कैसे करें, आइए पहले बेसिक एग्जामिनेशन से शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ जो कि खुद को एग्जामिन करते वक्त बहुत जरूरी हैं। हम कुछ पोजेस के बारे में बात करेंगे, आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे। ब्रेस्ट कैंसर को एग्जामिन करते समय हमेशा अपने ए बी सी का ध्यान रखिए। ए यानी आपका आर्मपिट, ब्रेस्ट कैंसर के एग्जामिनेशन के लिए हमेशा अपने आर्मपिट के नीचे देखिए, फिर बी अपने ब्रेस्ट को देखिए, और सी अपने कॉलर बोन के ऊपर का भाग देखिए। कभी कभार जब हमें ब्रेस्ट कैंसर है तो लंप हमारे आर्मपिट या कॉलर बोन में भी हो सकता है। ये एक अच्छा तरीका है एग्जामिन करने का, स्पेशली तब जब आपके ब्रेस्ट बड़े हैं, क्योंकि अक्सर बड़े ब्रेस्ट्स में लंप को खोजना मुश्किल हो जाता है। अब जब हमें अपने ए बी सी पता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें ये ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिनेशन कब करना है। इस एग्जामिनेशन को करने से पहले ये याद रखिए कि आपको हर महीने इसी सेम डे पर करना होगा। दूसरा ये बात याद रखनी है कि अगर आप अपने पीरियड्स के एक हफ्ते बाद इसे करते हैं तो हार्मोन लेवल उस समय कम होता है। आपके ब्रेस्ट के टेक्सचर को उस समय कोई भी चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करती है। कई बार पीरियड्स के दौरान आपके ब्रेस्ट्स बहुत हैवी, डेंस या टेंडर होते हैं, तो इस एग्जामिनेशन को करने का सबसे बेस्ट समय है आपके पीरियड्स के एक हफ्ते बाद। अब हमें ये पता है कि इसे कब करना है, तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि हमें इसे कैसे एग्जामिन करना है। तो चलिए इसे दो हिस्सों में बांट देते हैं, पहला लुकिंग, दूसरा फीलिंग। हर महीने अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए ये याद रखिए कि ये पोजेस सुपर हीरो पोजेस की तरह है, इनसे आपको याद रखने में आसानी होगी। तीन तरह के पोजेस हैं, पहले दो पोजेस के लिए आप खड़े रहेंगे और तीसरे के लिए आप नीचे लेटेंगी। पहला पोज है स्टैंडर्ड सुपर हीरो पोज, आप भले ही सुपर वुमन है या जो भी जेंडर प्रोनाउन आपको सही लगे। अब अपने हाथों को लीजिए और उन्हें अपनी कमर पर रखिए, फिर शीशे के सामने जाकर अपने बालों को सहलाकर सीधे खड़े हो जाएं। ऐसे ही आपके कंधे पीछे की तरफ हों और आपका सीना आगे की तरफ। अपने ब्रेस्ट्स को ध्यान से देखिए, ये देखने की कोशिश करें कि क्या आपको उसमें कुछ अबनॉर्मल नजर आ रहा है। अबनॉर्मल से मतलब है कि क्या आपको अपनी स्किन की शेप, कलर या टेक्सचर में बदलाव लग रहा है। अगर आपको लाल ब्लॉचेस या ब्लू डायलेटेड वेन्स, आपकी स्किन जैसी दिखती है उसमें कोई भी बदलाव, पर्टिकुलरली क्या वो संतरे के छिलके की तरह दिख रही है,
अब ये बहुत ही स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है, पर इससे मेडिसिन की भाषा में डिम्पलिंग ऑफ द स्किन कहते हैं। अगर आपके ब्रेस्ट में बहुत सारा फ्लूइड जम गया है तो आपको अपने ब्रेस्ट पर डिम्पल्स या डॉट्स नजर आएंगे। तो हमेशा अपने ब्रेस्ट के कलर, टेक्सचर और वो कैसे दिखते हैं इस पर ध्यान दीजिए। हमेशा अपने ब्रेस्ट के पूरे एरिया को देखिए, पर एक चीज जो यहाँ मिसिंग है, स्पेशली अगर आपके ब्रेस्ट बड़े हैं, तो वो है आपके ब्रेस्ट फोल्ड के नीचे की जगह। तो ये हमें हमारे सेकेंड पोज पर लाता है, जो है सुपर हीरो टेक्स फ्लाइट पोज। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और फिर शीशे में देखिए। ऐसा करने से हमारे ब्रेस्ट के नीचे की स्किन ऊपर खिंचती है और हम वहां की स्किन को अच्छे से एग्जामिन कर पाते हैं। हमने दो स्टैंडिंग पोजेस कर लिए हैं जिसमें आपको सिर्फ देखना था। जब आपका ये हो जाए तो आप टचिंग करेंगे। उसके लिए आपका सुपर हीरो आराम से एक बीच पर लेटा हुआ है। अपने एक हाथ को लीजिए और बेड पर आराम से लेट जाइए और अपने हाथ को अपने सर के नीचे रखिए। इससे आपके ब्रेस्ट टिश्यूज पॉप आउट होंगे थोड़े। फिर अपने दूसरे हाथ से अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें और ऐसा ही दूसरी तरफ भी करें। ऐसा करते वक्त आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं। अक्सर लोग सर्कुलर पैटर्न करते हैं, आप टेट शेप पैटर्न भी कर सकते हैं। अगर आप सर्कुलर कर रहे हैं तो आप बीच में से शुरू कर सकते हैं और बाहर की तरफ जा सकते हैं, या आप बाहर की तरफ से अंदर आ सकते हैं। अपनी तीन उंगलियों से अपने ब्रेस्ट को थोड़ा दबाकर एग्जामिन करें। देखें कि कहीं कोई लम्स या टेक्सचर में या किसी चीज में कोई बदलाव तो नहीं है जो नॉर्मल से थोड़ा अलग है। याद रखिए, इसे अपनी तीन उंगलियों से ही करें, क्योंकि अगर आप इसे अपनी दो उंगलियों से करेंगे तो संभावना है कि लंप आपकी उंगली के बीच से फिसल जाएगा। आपने अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खत्म कर लिया है। वाकई बस आपको देखना है और महसूस करना है। ये करते वक्त आपके ब्रेस्ट्स फ्री होने चाहिए, आप ब्रा ना पहने। मैं इसे नहाने के बाद करने की सलाह देती हूँ, क्योंकि इस टाइम हमारी स्किन मुलायम रिलैक्स्ड होती है और हमें इसे करने में आसानी होगी। मैं ये एग्जामिनेशन करने की सलाह इसलिए देती हूँ क्योंकि 10 में से 8 महिलाएं जो इससे डायग्नोस्ड होती हैं, उन्हें खुद भी इस बात का पता नहीं चलता है। चलिए मान लेते हैं कि आपको एक वॉलनट साइज का लंप मिलता है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि ये लंप नॉर्मल है या अबनॉर्मल। ज्यादातर ऐसा होता है कि पेनफुल लम्प्स नॉन कैंसरस होते हैं, तो अगर आपका लम्प आपको पेन नहीं दे रहा है तो ये एक साइन हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का, पर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। नॉन कैंसरस का एक साइन ये भी है कि अगर हम लम्प को दो उंगलियों से दबाएंगे तो वो अपनी जगह से हिलेगा, और इसे हम मेडिकल की भाषा में ब्रेस्ट माउस कहते हैं, क्योंकि जब भी हम उसे दबाते हैं तो वो एक माउस की तरह भाग जाता है। ये उन लोगों में नॉर्मल कंडीशन है जिनके ब्रेस्ट डेंसर होते हैं, यंग लोगों में ज्यादा आम बात है, और मेनोपॉज तक तो ये चला भी जाता है अधिकतर लोगों में। अगर आपका लंप फिक्स्ड या पेनलेस है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लंप के साइज को मत देखिए, अगर आपको लंप मिलता है तो जाके डॉक्टर को दिखाइए। ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिनेशन जरूरी है, इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.